अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, रियल वेव्स न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मोहम्मद अजीम। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरों पर। ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को 1-1 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम करने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का ऐलान। पाकिस्तान में खौफनाक ट्रेन हादसा, 25 हलाक, दर्जनों जख्मी, दलखराश वीडियो वायरल। पीआरएस बिल असेंबली में मंजूर, चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि आरटीसी मुलाजिमीन के लिए पीआरसी पर किया जाएगा अमल। हुकूमत की जानिब से इजाजिया देने के लिए मजीद 7,000 आईमा मौजनीन की दरख्वास्तों को मंजूर करने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का ऐलान। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा है कि बीसी बंधु की तरह ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को 1 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की जाएगी, जो बैंक लिंक के जरिए दी जाएगी और ये खर्च नहीं होगा। असेंबली में खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा है कि इनकी हुकूमत अकलियतों की तरक्की बहबूद पर पाबंद अहद है। कांग्रेस पार्टी ने 60 साल तक मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, इनकी बहबूद के लिए कोई काम नहीं किए। कांग्रेस कभी भी मुसलमानों की तरक्की के मामले में संजीदगी जाहिर नहीं की। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा है कि तेलंगाना की तश्कील से कबल आखिरी 10 साल तक कांग्रेस ने हुकूमत की। इस 10 सालों में कांग्रेस ने अकलियतों के बहबूद में 925 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि बीआरएस ने इन 10 वर्षों में 12,094 करोड़ रुपए अकलियती बहबूद पर खर्च किए। इस तरह इनकी हुकूमत एक साल में अकलियतों की बहबूद पर जो रकम खर्च की है, इतनी रकम की कांग्रेस ने अपने 10 साल दौरे हुकूमत में खर्च नहीं की। पाकिस्तान में ट्रेन का खौफनाक हादसा पेश आया, जिसमें कम से कम 25 अफराद को हलाक होने की तला मिली, जबकि दर्जनों जख्मी बताए गए। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक कराची से पंजाब जाने वाली ट्रेन हजारा एक्सप्रेस को नवाब शाह के नजदीक सरहाड़ी रेलवे स्टेशन के करीब हादसा पेश आया। ट्रेन के कई बोगी पटरी से उतर गए। पाकिस्तान के रेलवेज के डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट महमूद रहमान ने तस्दीक की है कि तबाहशुदा बोगियों में से कम 15 नाशे निकाली गई, जबकि 50 के करीब जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मुकामी न्यूज चैनल्स के मुताबिक कराची से 275 किलोमीटर दूर वाकया ये स्टेशन के करीब होने वाले इस हौलनाक ट्रेन हादसे में मजीद अफराद के जख्मी होने का खदशा है। इंतजामिया की जानिब से इमदादी कार्रवाई की जा रही है और करीबी हॉस्पिटलों में इमरजेंसी कर दी गई है। तेलंगाना कानून साज असम्बली में तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के मुलाजमीन को हुकूमत में जम करने के बिल को मंजूरी दे दी गई है। गवर्नर तमिली साई सौंदरा राजन की जानिब से बिल को मंजूरी देने के बाद इंजमाम के अमल के लिए राहें हमवार हो गई। बाद अज़म रियासत ट्रांसपोर्ट वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने बिल को असम्बली में पेश किया। अजय अरकान मुखन्ना के मुखन्ना तौर पर मंजूरी दे दी। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तहफ़ के मकसद से आरटीसी को हुकूमत में जम किया गया। उन्होंने कहा है कि हुकूमत में आरटीसी के इंजमाम से 43,000 मुलाजमीन के लिए पीआरसी में अमल आवारी को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा है कि हुकूमत टीआरएससी के असास जात के तहफ़ के लिए पाबंद अहद है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने रियासत भर से महाना इजाजिया के लिए मसूल होने वाले आइम्मा मौजनीन के लिए 7,000 दरख्वास्तों को मंजूर करने का ऐलान किया। रियासती असेंबली में मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवीसी के मतालबे पर जवाब देते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा है कि फिलवक्त रियासत भर के 10 आइम्मा मौजनीन को हुकूमत की जानिब से हर माह 5,000 का इजाजिया दिया जा रहा है। फिलहाल हुकूमत को मजीद 7,000 दरख्वास्तें मसूल हुई, जो कई दिनों से जेर इल्तवा हैं। वो इन तमाम दरख्वास्तों को मंजूर करते हुए कल पीर को ही सरकारी अहकाम जारी करने का ऐलान करते हुए तमाम आइम्मा मौजनीन को पीर की शाम तक आर्डर जारी किए जाएंगे। अध्यक्ष फलता अवे वाई मन अंदर चूसा अक आंध्र होलंगा कहीसम
పది సీట్లన్న రాకపోతే ఆ తెలంగాణ ఇస్తే అని చెప్పి ఒక రకమైనటువంటి పద్ధతిలో ఆ ఒత్తిడిలో ఇచ్చినారు తప్ప వీళ్ళు తెలంగాణ ప్రేమకి ఇయ్యలే. ఏ ఒక్కనాడు వీళ్ళకి తెలంగాణ ప్రేమ ఉన్నా ఈ పరిస్థితి వచ్చేది కాదు. తెలంగాణ ఇంత దౌర్భాగ్య స్థితిలో ఉండేది కాదు. ఎప్పుడో నదుల నీళ్ళు వచ్చి బ్రహ్మాండమైన పంటలు బండి సకల అష్టైశ్వర్యాలతో తులతూగే తెలంగాణ. तेलंगाना असेंबली में मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में मुसलमानों के खिलाफ चल रही नफरत की फिजा पर तबसरा करते हुए कहा है कि तेलंगाना वो वाहिद रियासत है जहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई दीगर तमाम तबकात मिलजुल कर रहते हैं और खास तौर पर मुसलमान दीगर रियासतों के मुकाबले में काफी महफूज हैं. एनआरसी के लिए तो रियासत तेलंगाना वाहिद रियासत थी जिसने रेजोल्यूशन पास करके ना रोडों पे आने दिया मुसलमानों को, ना शहर को जलने दिया, ना लॉ एंड ऑर्डर को खराब होने दिया. और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने यूसीसी पर भी स्टैंड लिया कि हम यूसीसी का भी मुखालिफत करेंगे. मैं उम्मीद करता हूं कि आप जब रिप्लाई देंगे यूसीसी के ताल्लुक से भी बोलेंगे. और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके से आप और हम मिलकर तेलंगाना को तरक्की के ऊपर और आगे ले जाएंगे और खुशहाली की तरफ ले जाएंगे और उन ताकतों को शिकस्त देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे. जो 70 बरस से ना इंसाफी करे उनको भी जवाब देंगे. जो 10 बरस से ना इंसाफी और नफरत की फिजा बरपा कर रहे हैं उनको भी हम बताएंगे कि रियासत तेलंगाना उनको भी मुस्तरद करता है, इनको भी मुस्तरद करता है. और रियासत तेलंगाना बंगारो तेलंगाना. हिंदुस्तानी कौंसल खाने की जानिब से अमेरिका के शहर शिकागो में फंसी हुई बेयार और मददगार हिंदुस्तानी लड़की के लिए मदद के लिए इकदाम का आगाज कर दिया है. हफ्ते के रोज कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया ने हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाली लड़की सैयदा मिनाज को अमेरिका के शहर शिकागो से हैदराबाद लाने की कोशिश की जा रही है. सैयदा मिनाज अमरीका के शहर शिकागो से हैदराबाद लाने के लिए कोशिश शुरू कर दी. हिंदुस्तानी सिफारतखाने ने इंकशाफ किया है कि मिनाज जैदी फिलहाल सेहतमंद है. सैयदा लुलू मिनहाज जैदी से राब्ता करने में कामयाब हुए. हमने इन्हें बताया कि हम इन्हें जरूरी तिब्बत देखभाल और हिंदुस्तान जाने पर मदद फराहम करेंगे. बताया गया है कि उन्होंने हिंदुस्तान ने अपनी वालदा से भी बात की. कौंसलेट ने ट्विटर पर कहा है कि हम इन्हें हर तरह की मदद फराहम करने के लिए तैयार हैं. वाजे रहे कि हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाली लड़की सैयदा मिनहाज जैदी अक्टूबर 2021 में एमएस करने के लिए अमरीका गई थी. वो अक्सर अपनी वालदा सैयदा वहाज फातिमा से फोन पर बात करती थी. तेलंगाना कानून साज असम्बली का अजलास आज खत्म होगा. अजलास के चौथे और आखिरी दिन यानी आज दोनों ऐवानों में रियासत तेलंगाना की तरफ से हासिल की पेशरफ मुख्तसर मुबाहिस होंगे. चीफ मिनिस्टर केसीआर पर कलीद तकरीर करेंगे. इम्कान है कि वो गुज़श्ता 9 सालों के दौरान हासिल करदा कामयाबियों का तफसीली तौर पर जिक्र करेंगे और कई अहम ऐलान की भी तवक्को है. समझा जाता है कि अनकरीब मुनक़िद होने वाले असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र ये अजलास आखिरी सेशन पर हो सकता है. दुनिया के मुसलमानों और इस्लामी ममालिक के हकूक के तहफ्फुज के लिए कायम तंजीम इस्लामी ताउन तंजीम ओआईसी ने जम्मू कश्मीर की बैन अल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा हैसियत की तरफ तब्दीली के 4 साल मुकम्मल होने पर हिंदुस्तान के जेर कंट्रोल कश्मीर के सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है. ओआईसी के जनरल सेक्रेटरी ने बयान में मुतज़ा इलाके के डेमोग्राफिक ढांचे को तब्दील करने के लिए 5 अगस्त 2019 को उठाए गए तमाम गैर कानूनी इकदाम को मनसूख करने का मतालबा दोहराया. हक उदारियत की वजह से जम्मू में कश्मीर के अवाम के साथ एकजहती की तजदीद की गई. ओआईसी ने बयान में जम्मू कश्मीर से मुतालिक इस्लामी सरबराहदार तंजीम के वज़रा ने खारिजा कौंसिल के फैसलों का हवाला दिया जिसमें जम्मू और कश्मीर में इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियां बंद करने का मतालबा किया गया. ओआईसी जनरल सेक्रेटरी ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि वह अक़्वामे मुत्तहदा की सलामती कौंसिल के करारदादों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के मसले को हल करने के लिए कोशिश में तेजी पैदा करे. इसी के साथ आपके होस्ट और दोस्त को इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज. Thank you.